हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक अनदर वीडियो अनदर व्लॉग। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, सब्सक्राइब कर दें यार, बनता है। अब आपको अभी जा रहा हूँ जी, मैं जे चोट लग गई थी आपके भाई का, एक्सीडेंट हुआ है तो अभी जा रहा हूँ जी, इसकी पट्टी वगैरह करवाने के लिए। एक्सीडेंट हुआ था आपके भाई का तो बैटरी बॉय आ गया अभी लेने के लिए मुझे, मैं जा रहा हूँ जाकर पट्टी शट्टी करवाते हैं। हालात काफ़ी ख़राब है, मेरे भी हालात ख़राब हैं, जाते हैं अभी हॉस्पिटल जाके पट्टी शट्टी करवाते हैं। एक्सीडेंट हुए आपके भाई को तकरीबन 2 दिन हो चुके हैं और ना अब जा रहे हैं ड्रेसिंग वगैरह करवाने के लिए। और सुबह देखी है ना, अभी मैंने 2 दिन बाद घर से निकला हूँ तो मुझे कोई सुकून हुआ थोड़ा सा। तो यार बड़े बुरे हालात है, घर में नहीं होती, जो बंदा बाहर जाता है ना वो बंदा घर में नहीं बैठ सकता। दरअसल एक्सीडेंट हुआ कैसे मेरा, मैं बहुत तो आपको बता दूं। जा रहा था रात को भाई, कई दिनों के बाद मैं ना पापा को खाना देने शॉप पे, तो रास्ते में एकदम आगे जो होंडे वाला आ रहा है भाई कि यहाँ पे अगड़ा मकराड़ लगा, अगड़ा मकराड़ होता है ना फ्रंट होंडे का, जी उंगली के अंदर से ही गुजर गया मकराड़, मसल के बड़ा हैवी किस्म का लगा सारा, यहाँ से कट ही गई उंगली, पाँव तकरीबन 9 टांके लगे। हॉस्पिटल पहुँच गए हम, पट्टी शट्टी करा के फिर आपसे मिलता हूँ। अंदर तो मैं ब्लॉग बना नहीं सकता, कपड़ा लाने का सबसे बड़ा नुकसान है। चेक करें आप लोग, कमीज आपके भाई के पीछे अड़ गई है। ये चेक करो, चेक करो, गजब बेइज्जती है। पूरी पूरी कमीज ही फट गई, बड़े लाख सिर्फ तेरी वजह से भाई, मेरी वजह से। मैं तुझे लेके, तूने मुझे यहाँ पे ला के बिठाया तो तू ना बैठता, मुझे यहाँ पे ला के क्यों बिठाया। ड्रेसिंग आपके भाई की हो गई है, अभी मुझे इतने हैवी किस्म के चक्कर आए हैं और बुरे हालात हो गए थे, ड्रेसिंग हो गई है। नीचे भी जा रही है यार, ये तो वहीं पर गिरी है इधर, तो बाएंगे तो जाएगी ना ग्राउंड पर। यकीन करें यार, शुक्र है तो कमीज नहीं फटी, नहीं तो जलालत हो जानी थी। और मैं सही बता रहा हूँ, अभी भी मैंने छुपा छुपा कर कमीज लेके आया हूँ कि यार कोई देखे ना। अभी इसको मैंने बोला कि एक सैन बेग से जा रहे हैं जल्दी से स्लैश लेके आ, ताजी आपके भाई के देखो पसीने पसीने हो गए, चक्रो चक्री हो गया, काम खराब हो गया बड़ा अजीब वाला। शर्मी की भी आदत होती है यार, बैटरी पैसे का कहा पैसे नहीं ले गया, फिर देखा ना ये ऐसे होते हैं बेशर्म दोस्त, पैसे नहीं लेते, ना इसने ड्रेसिंग के पैसे लिए हैं और ना ही ड्रेसिंग करते हैं अभी जाके। ड्रेसिंग इसने मेरी नहीं की यार, उसने जो चीखे निकलवाई हैं वो आपके भाई की पूरे लाद दी। अच्छा जी, अगला दिन आज स्टार्ट हो चुका है और क्या कहते हैं, इन्होंने कोई एक आधी वीडियो बनानी थी, ये सारे बैठे हैं मैं वीडियो शीडियो बनाने के लिए, इन्होंने कोई एक आधी वीडियो बनानी थी, ब्लर अवेलेबल आ रही है आगे तो उसके लिए। हाँ तो शूटिंग करें ना, मैं आप कह रहा हूँ तो फिलहाल के लिए बंद करें अपनी, पीस आउट। ये बिहाइंड द सीन मैं बना रहा हूँ, इनकी जो वीडियो शीडियो है इन्होंने पता नहीं बनाई है कि नहीं बनाई, मुझे तो नहीं पता। मैं यहाँ बैठ के गेम शेम खेल रहा था, खाना शाना खाया, अभी फ्री हुए हम, मैं दोबारा जा रहा हूँ इसको जरा करवाने के लिए। अरे मेहंदी दिखाओ, इधर आओ, 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 वाजी वाह, बड़ी प्यारी सी मेहंदी लगी है आपको। मेहंदी क्यों लगाई है आज बताओ? मैं देखती हूं। आज आपकी सालगिरह है इसलिए आपकी मेहंदी लगाई है। पाँव के स्टिचेस वगैरह मेरे खुल चुके हैं और आज अभी हमारी छोटी सी मुन्नी सी काकी की सालगिरह, तो वो उसकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम। थोड़ा सा कमरा भी सजाया आपके भाई ने, चेक करें, ये बड़ा गुब्बारिश बारे लगा के सजा दी है। और आज 10 रबी लेवल और आज हमने जी महफिल मिलाद भी रखी है, कटिंग शटिंग अभी करवा के आया हूँ मैं, खत छत करवा के। मुन्नी काकी का जो सा फ्राक है ना वो बहुत प्यारा है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जब वो पहनेगी। और दरवाज़ा क्यों खोलना है, क्यों दरवाज़ा खोलना है? मुझे बताओ क्यों दरवाज़ा खोलना है? इसका ना वहाँ पे अलमारी के अंदर सूट पड़ा हुआ है, इस वजह से ये ना खैर ही दरवाज़ा खोलो, मैंने सूट देखना है अपना। आपको सूट नहीं दिखाना हमने, फ्रॉक आपका सरप्राइज है, वो फ्रॉक आपको नहीं दिखाना, आपका नहीं है वो मेरा। नहीं मेरा। नहीं आपका नहीं है, चलो चलो आपका 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 आपका। उछो मेहंदी तो दिखाओ, मेहंदी कितनी प्यारी लग रही है, आए दिखा, हाथ खोल दोनों हाथ को, पिड्डो का के वाह बर्थडे गर्ल। सो फाइनली कपड़े शपड़े पहन के तैयार हो गए हूँ, नहा के यार आपके भाई ने दोबारा बैंडेज लगा ली अपना जो भी था, कल आपके भाई के स्टिचेस भी खुल चुके हैं, ये
बड़े भाई की दीदा ससुराल से आई है, परफ्यूम वो लगा रहा हूँ मैं, उनका लगा के जरा नीचे आपको शायद आवाज़ भी आ रही हो, महफिल स्टार्ट हो चुकी है और नीचे चलते हैं, महफिल वगैरह आपको दिखाते हैं। और मैं जा रहा था जी बैटरी बॉय को मिलने के लिए, महफिल मिलाद कल की हमारी ख़त्म हो चुकी है और जनाब साहब लेके आए हैं, फुल मिट्टी मिट्टी हुआ है, जनाब साहब लेके आए हैं S21 Ultra और मुबारकबाद देते हैं जी हम इनको, माशाल्लाह मुबारक हो आपको। ये पहली वीडियो बनाई है यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे तो नहीं बनाई हुई, टिकटॉक पे बनाई है, तो माशाल्लाह मोबाइलों के साथ इनकम आ गई है, इनकम आ गई है, पहली टिकटॉक की पहली इनकम आ भी गई है, 1.5 लाख का माशाल्लाह फोन लिया है, अल्लाह आपके नसीबों में करे भाई। मोबाइल की मुबारकबाद देने पर इनको खुशी नहीं हुई, लेकिन इन्होंने कहा जी हमने हाल रोड लाजमी जाना है प्रोटेक्टर लगवाने के लिए, मैं इनके साथ हाल रोड आ गया, मैंने कहा चलो मेरे मोबाइल का भी है तो मैं भी लगवा लूँगा, साथ में अपने मोबाइल का भी लगवाता हूँ, इसके मोबाइल का भी लगवाता हूँ, जो ट्रीट है वो पेंडिंग पे है, तो बाकी अभी खैर है, अभी हम प्रोटेक्टर लगवा, नहीं ट्रीट रूट नहीं है अभी लेनी, मेरा हालात नहीं इतने हैं, अभी थोड़ी देर तक हमने जुलूस पर भी जाना है, 12 रबी लेवल के लिए हुज़ूर पाक का मिलाद है, तो उस पर हम जुलूस पर भी जाएंगे, और आगे यही होने लगा कि मार्केट बंद हो गई है। वालेकुम भाई, एक प्रोटेक्टर तो दीजिएगा, 11 Pro का, S21 Ultra का, हाँ प्रोटेक्टर और ग्लास, शीट होगी, कवर भी दिखाओ और इसका प्रोटेक्टर भी दिखाओ भाई, बहुत हैवी किस्म का साइज है यार। बस जी 5 ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4, 5 इसकी 5 ऑप्शन है, बताओ फिर इनमें से कौन सा लेना, जल्दी से बताओ ना, ये वाइट भी है, ये कलर ब्लैक ब्लू वाइट नहीं लेना यार, कोई और कोई नहीं इसके अलावा। तो फाइनली जी हमने ये नई चीज़ एक ली है, बाकी सारा सामान हमने, मैंने अपने आईफोन का भी लगवा लिया प्रोटेक्टर, इसने भी अपने फोन का करवा लिया, दिखा दे रहा है माशाल्लाह हैवी लग रहा है, ये पकड़ दे रहा है, मैं चांद ज़ूम करके दिखाऊं, क्या चांद ज़ूम करके दिखाऊं, चांद ज़ूम क्या हो गया, चांद ज़ूम करना है इससे, आईफोन से होगा, ओ भाई सफर कर लिया, आईफोन बहुत पीछे रह गया, ये मुझे कह रहा है चांद ज़ूम करना, ये वाकई में उस्ताद जी, पिक्चर लो पिक्चर लो पिक्चर लो पिक्चर लो पिक्चर, और 44x पे ज़ूम हो गया, ओए चांद की पिक्चर, हैवी हो गया यार, ये तो बड़ा हैवी फोन है, 60x नहीं हुआ, 44x हुआ है, 100x इसके अंदर है, मुझे तो अभी पता लगा है, चांद भी छोटा, इसका मतलब हमारी ब्लॉगिंग इस पर भी हो सकती है। तो बहरहाल अभी हम जाने लगे हैं घर, काफ़ी मेरा पाँव दर्द हो रहा है, उसकी ये वजह कि अभी कल स्टिचेस खुले हैं ना, तो थोड़ी बहुत दर्द हो रही है, जाहिर है अभी जख्म कच्चा है। हाल रोड से निकल के जी अब हम आ चुके हैं जी अपने क्या कहते हैं एक बहुत ख़ास जुलूस के अंदर, रबी लवल का जुलूस जो होता है उसके अंदर आ गए हैं, और यहाँ से हम जाएंगे दादा दरबार,
दादर दरबार से फिर आगे हम जाएंगे मस्जिद या रसूलल्लाह इधर क्या कहते हैं मून मार्केट, तो आगे के मनाजिर आपको साथ साथ दिखाएंगे। काफ़ी ज़्यादा आवाम है माशाल्लाह, बहुत मज़ा आ रहा है, हमें जरूर आ रहा है। माशाल्लाह क्या बात है, क्या बात है माशाल्लाह, खूबसूरत।